प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 15 जनवरी को सुबह 4:58 पर गुरुदेव बृहस्पति अस्त होने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति के अस्त होने के साथ ही यहाँ पर हमको बहुत सारे बड़े परिवर्तन भी देखने को जरूर मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर बृहस्पति अपनी नीच राशि में है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग भी जरूर करता है। ऐसे में बृहस्पति के यहाँ पर अस्त हो जाने से जो अभी तक हम राजनीति के अंदर इस तरह का माहौल देख रहे थे, जिसके अंदर लोग अपनी बुद्धि का, अपनी प्रतिभाओं का दुरुपयोग कर रहे थे, गंदी राजनीति कर रहे थे, उसमें अब यहाँ पर आपको ठहराव देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन है उसके उग्र होने की संभावनाएं कुछ हद तक कम होगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति के अस्त हो जाने से एक तरीके से उनके साथ ये बाध्यता जरूर होगी कि अब उनको ये आंदोलन बड़े ही संयम तरीके से जारी रखना होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है और बृहस्पति के अस्त हो जाने के साथ ही इसकी प्रबल संभावनाएं बन गई है कि ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है अब इसके बहुत उग्र होने की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन बृहस्पति के अस्त हो जाने के साथ ही यहाँ पर एक चीज और है, हमें यहाँ पर ज्ञान के अंदर भी शिथिलता देखने को मिलेगी। यानी लोग जो अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कुछ कमियां हमको देखने को जरूर मिलेगी। दर्शकों, बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता यदि हम कहीं से देखेंगे या हम अपना व्यवहार यदि कहीं से देखेंगे तो बृहस्पति से ही उस चीज को देखा जाएगा। एक होती है किसी चीज की विद्या को हासिल करना और एक होता है उस विद्या को अपने जीवन में इस्तेमाल करना। बृहस्पति हमें उन विद्याओं को अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करने की ताकत देता है। यानी बृहस्पति ज्ञान है और ज्ञान के अस्त हो जाने का परिणाम हमें ये देखने को जरूर मिलेगा कि यहाँ पर लोगों की कार्य क्षमता में फर्क जरूर आएगा। और यहाँ पर बृहस्पति के अस्त होने के साथ ही स्कूल कॉलेजेस को लेकर के भी कोई बड़े निर्णय होने की संभावना भी जरूर बनेगी। यानी कि जो काफी लंबे समय से कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, उनको लेकर के भी यहाँ पर कुछ बड़े निर्णय होने की संभावना इस बृहस्पति के अस्त होने से जरूर बनेगी। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर कपड़े के अंदर हमें थोड़ा सा ठहराव देखने को मिलेगा, यानी कि कपड़े का जो मार्केट है उसके अंदर, सोने की कीमतों के अंदर भी हमें कुछ ठहराव देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर पीली चीजें जितनी भी हैं उन सब की कीमतों के अंदर हमको एक ठहराव देखने को जरूर मिलेगा। दर्शकों, बृहस्पति बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है और बृहस्पति के साथ में यहाँ पर अस्त हो जाने से यहाँ पर शनि को अपना पूरा कार्य करने का मौका मिलेगा। यानी कि न्यायिक व्यवस्था अब यहाँ पर ज्यादा मजबूती से काम करेगी। यानी कि जो यहाँ पर वैक्सीन को लोगों को लगाया जाना है, जिसकी शुरुआत की 14 जनवरी से होने वाली है, उस कार्य में भी आपको गति देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति के अस्त हो जाने से और शनि के अपनी राशि में होने पर इस कार्य को भी सुगमता से करने का अवसर यहाँ पर जरूर रहेगा और ये काम भी बहुत आसानी से यहाँ पर संपन्न भी हो जाएंगे। लेकिन दर्शकों, बृहस्पति के अस्त हो जाने से बहुत बड़े नेगेटिव परिणाम हमको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ नेगेटिव परिणामों के अंदर कमी ही हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर नीच की थी और नीच के बृहस्पति का अस्त होना गोचर के अंदर ये हमारे लिए शुभ संकेत है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर बृहस्पति के गोचर का जो परिवर्तन होने जा रहा है उसके आधार पर देश के अंदर किस तरह की स्थितियां बनेंगी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। हाँ, इसके साथ ही यहाँ पर 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक अमेरिका में भी कोई बड़ी घटना घटित होने की संभावना बनती है, क्योंकि बृहस्पति के अस्त हो जाने से यहाँ पर व्यक्ति अविवेकपूर्ण तरीके से कोई कार्य करे इसकी संभावना भी बनती है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है 20 तारीख से पहले पहले और 15 तारीख के शुरुआत के बाद में, यानी कि 15 से 20 तारीख के बीच के अंदर यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, इसकी संभावना भी
बृहस्पति के अस्त होने से जरूर बनती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।